I've fallen in love with I love. Dil bole wow. क्या हुआ चेतन, इतनी दूर आए हो? पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? आपसे कुछ बात करनी है। रुको एक मिनट। चेतन, क्या बात करनी है बताओ। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये तुम? क्या हुआ? तुमने अब तक कुछ नहीं बताया। कम से कम ये तो बता दो वो लड़की कौन है। ये लड़की भी मेरी तरह घर छोड़कर भागी है। कोई दलाल मिल गया होगा इसलिए भाग गई होगी बेचारी, यही बात है ना? दुनिया में सब कुछ बदलता जा रहा है लेकिन इस धंधे के जो दलाल लोग हैं वो नहीं बदल रहे। इसकी इस हालत की एक वजह मैं भी हूं दीदी। तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं लॉज में सिर्फ इसलिए रह रही थी ताकि मैं दो पैसे कमा सकूं। मुझे अपने इस काम में कोई गलती नजर नहीं आ रही थी पर अपना भविष्य पता नहीं था। पर एक बात जहन में जरूर होती थी कि लोग मुझ पर हंसते हैं तो अपनी किस्मत बदलने के लिए मैंने ये खेल खेला। लेकिन किस्मत के खेल में मैं खुद ही फंस गई इसलिए इस लड़की को लेकर भाग गई। तुम्हें वापस इस धंधे में नहीं जाना चाहिए था।
दीदी, अगर मैं नहीं रही तो इस लड़की को तुम संभालोगी ना? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। मैं क्या कह रही हूँ ये मुझसे मत पूछो। नंदिनी को संभालोगी ये बता। नहीं, वो तेरे भरोसे आई है यहाँ पर, उसकी वजह से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। अब उसको अपने से अलग मत करो। नंदिनी को तुमने नहीं बचाया रेखा, बल्कि उसने तुम्हें बचाया है। ए, वहां उसका घर कैसे ढूंढेंगे? ए, रिया का घर बोला ना, रिया का घर ढूंढेंगे। फोटो में कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए पूछा था। अम्मा के पास से दो पुड़िया ले ले। पुड़िया ले लूं? इसके पास से? आम बेचने वाले के पास पुड़िया कहां से मिलेगी? आम। ए अम्मा, इधर सुन। दो हाथ का फूल मिलेगा क्या? 300 रुपए। ए, पैसे दे उसे। पैसे दूं? बिना पैसे के कुछ होता है? तुझे अगर काम पूरा करवाना है तो पैसे दे इसे। ए, समझा नहीं कुछ? आंखें खोल कर सोने वाला आदमी है तू, और तेरे सामने जो बैठा है वो आंखें बंद करके देखता है। नहीं समझा ना? समझेगा भी नहीं। तू सिर्फ दांत घिसता रह, चुपचाप देखता रहे, मैं सारा मैटर संभाल लूंगा। काम नहीं चलता। दीदी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। नंदिनी का अब तुम्हें ख्याल रखना होगा, गलत मत समझना दीदी। मैं हर महीने तुम्हें पैसे जरूर भेजती रहूंगी। रेखा, रेखा रुको, रेखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी मैंने तुम्हें इतना समझाया था। वो सब सुनने में अच्छा लगता है दीदी, पर हकीकत में नहीं। मेरे दुख को मेरे साथ जाने दो।
मैं यहाँ पर आई थी, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। उस लड़की ने पूछा तो? कह देना मैं चली गई, वो समझ जाएगी। ओए उठ जा। ए कहाँ है, कहाँ है? श्रीरंगम पहुंच गए। अब उसका घर ढूंढना होगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, श्रीरंगम में सिर्फ चार गलियां हैं और उन गलियों में एक माले का घर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है? पंडित जी। हाँ। सफेद कोबरम किस तरफ है? क्या बात है, आपने सही जगह पूछा और बिल्कुल सही सवाल पूछा। तो फिर वो किधर है? वो आप लेफ्ट से जाइए। कार वहाँ जा सकती है? भगवान का रथ जा सकता है, तो फिर कार क्यों नहीं जा सकती? जाओ। ए, कह रहा है जा सकते हैं। चुप रहे, मैंने भी सुना। रेखा कहाँ है? अरे तो उठ गई। रुक जा, मैं तेरा नाश्ता लगाती हूँ। रेखा कहाँ है? वो क्या है ना बेटी, उसे एक जरूरी काम के लिए मुंबई जाना पड़ा। एक हफ्ते में आ जाएगी वो। हाँ अम्मू। आज तुम ट्यूशन मत जाना, तुम भी अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग नंदिनी के लिए नई ड्रेस लेने चलेंगे, ठीक है? पर जाने से पहले वो मुझे बता तो सकती थी ना। वो आई थी बेटा, लेकिन तुम गहरी नींद में सो रही थी, उसने सोचा तुम्हें उठाना ठीक नहीं है, पहुंच के वो तुम्हें फोन करेगी। रेखा नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना। हाँ कितनी देर पहले गई वो? इधर ही कहीं होगी वो। एक राउंड मारेंगे ना तो उसका घर मिल जाएगा। देख रहे हो इस समय पतंग उड़ा रहे हैं। घर पर ही रहना, मैं बाहर देखकर आती हूँ।